हमागणी दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बनाएंगे फिश। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना देखना कैसे बनाते हैं फिश, कैसे नहीं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं फिश। देखिए दोस्तों फिश बनाने के लिए मैंने ले लिया है फिश। अब मैं इसमें डालूंगा ये थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ, ये थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ये गरम मसाला। और साथ ही में लूंगा दोस्तों मैं थोड़ा सा तेल सरसों का। अब करेंगे इसको मिक्स। दोस्तों अच्छी तरीके से करना है इसको मिक्स। देखिए दोस्तों अपने फिश में मसाले डल चुके हैं। अब इसको अपने 1 घंटा रख देंगे, फिर 1 घंटे बाद में तेल में फ्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको रख देते हैं 1 घंटा। देखिए दोस्तों कढ़ाई पे मैंने तेल चढ़ा दिया है। अब उस मछली को करेंगे इसमें फ्राई। देखिए दोस्तों तेल अपना गर्म हो गया है और ये इधर है फिश, जो मछली ली है वो है इधर। तो चलिए दोस्तों अब मैं डालता हूँ इस तेल में। चलिए दोस्तों पकाते हैं इनको अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों मछली अपनी फ्राई हो रही है। बीच बीच में अपने को इनको पलटते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। देखिए दोस्तों मछली अपनी फ्राई हो गई है। अब अपन इनको निकालेंगे बाहर। दोस्तों निकाल लिया है मैंने बाहर मछली को। दोस्तों ये वो तेल है जो मैंने मछली फ्राई किया है। अब इस तेल को निकाल लेंगे, बाकी इसी में मसाला बनाएंगे। तो दोस्तों तेल ज़्यादा है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ तेल को बाहर बर्तन में। देखिए दोस्तों जो मैंने मछली फ्राई किया था वो एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है और ये जो मैंने फ्राई की थी मछली वही तेल रखा है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों अब मैं डाल रहा हूँ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और ये थोड़ा सा गरम मसाला है वो थोड़ा बहुत। अब डालूंगा ये प्याज और मिर्ची कटे हुए। दोस्तों साथ ही डाल रहा हूँ मैं अदरक और लहसुन कुटा हुआ। करेंगे इनको मिक्स। चलिए दोस्तों पकने देते हैं इसको। देखिए दोस्तों प्याज मिर्ची और अदरक लहसुन अपना पक गया है। अब मैं डालूंगा इसमें ये
मसाले, ये डाल रहा हूँ मैं लाल मिर्ची, इतनी लाल मिर्च है, 1.5 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा नमक और ये थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसमें पानी, और करेंगे इनको मिक्स। चलिए दोस्तों पकने देते हैं मसाले को, 10-15 मिनट में पक जाएगा मसाला अपना। देखिए दोस्तों मसाला अपना पक गया है, मैं इसमें डालूंगा ये पानी, अब दोस्तों पानी को पकाएंगे करीबन 10-15 मिनट और, फिर इसमें डालेंगे मछली। दोस्तों पकने देते हैं पानी को, देखिए दोस्तों जो अपने मसाले में पानी डाला था वो पक गया है, अब मैं डालूंगा इसमें ये मछली जो मैंने फ्राई की है वो, तो चलिए दोस्तों डालता हूँ मैं अभी इसको मछली को। देखिए दोस्तों मछली मैंने डाल दिया है, अब इसको पकने देते हैं इसमें। दोस्तों 5 से 7 मिनट के बीच में तैयार हो जाएगी अपनी मछली। देखिए दोस्तों फिश अपनी बनके तैयार है, चलिए दोस्तों करते हैं गैस को बंद। देखिए दोस्तों ये बनके तैयार हुई है अपनी फिश,